देखिए, लव करने से बहुत ही जबरदस्त फायदे होते हैं। संदीप महेश्वरी सर इस पर क्या कह रहे हैं पहले वो सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या जबरदस्त फायदे होते हैं लव करने से। सिर्फ प्यार ही एक ऐसी स्टेट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। सिर्फ प्यार ही ऐसा है जिससे आप एक्चुअल में प्रेजेंट मोमेंट में आ सकते हो, जब आप ठहर जाते हो पूरी तरह। तो संदीप महेश्वरी सर का कहना है कि लव में जब आदमी पड़ जाता है तो वो ठहर जाता है और प्रेजेंट मूवमेंट में आ जाता है। तो इस चीज को समझिए पहले। होता क्या है कि जब लव होता है तो अपने प्रेमी की इतनी ज्यादा चाहना हो जाती है कि उसके सामने दुनिया की हर वस्तु फीकी लगने लगती है और दिमाग में हर समय उसी का ख्याल घूमता रहता है। उसके अलावा और कोई भी चीज दिमाग में नहीं घूमती है, यानी दिमाग पूरी तरीके से एक चित्त हो जाता है, एकाग्र चित्त। इसे हम अपनी भाषा में कहते हैं, यानी मेडिटेशन स्वयं हो जाता है, अपने आप जीवन में मेडिटेशन घट जाता है। देखिए, मेडिटेशन जो है वो करने की चीज नहीं है, मेडिटेशन जीवन में घटित होता है अपने आप। तो लव करने से दिमाग एकाग्र हो जाता है, यानी ध्यान घटित हो जाता है। सबसे नंबर फायदा ये। दूसरा फायदा, आज भी या पहले के समय में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, संसारिक वासनाओं को खत्म करने के लिए बहुत सारी तपस्या करते थे जंगलों में जाके। और लव करने वाले के साथ में ये अपने आप ही हो जाता है। लव करने वाले के दिमाग में अपने प्रेमी के अलावा और कोई चाहना नहीं बचती है, बस वो अपने प्रेमी को पाना चाहता है। जैसे कि एक सच्चा भगवान भक्त होता है कि उसे दुनिया से कोई कुछ लेना देना नहीं, दुनिया की कोई भी चीज नहीं चाहिए, केवल उसे भगवान चाहिए। उसी प्रकार एक प्रेमिका और प्रेमी होते हैं, उन्हें दुनिया की कोई भी वस्तु उतनी प्यारी नहीं है जितना कि अपना प्रेमी प्यारा होता है। यानी जिस चीज को प्राप्त करने के लिए प्राचीन समय में ऋषि मुनि लोग या आज के समय में बहुत सारे साधु लोग बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा जंगलों में हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं, जिस चीज को प्राप्त करने के लिए, वो प्रेम करने वाला अपने आप उस चीज को प्राप्त कर लेगा। तो पहला फायदा, मेडिटेशन अपने आप जीवन में घटित हो जाता है। दूसरा फायदा, सांसारिक वासनाएं अपने आप जीवन में खत्म हो जाती है प्रेमी की। उसके पास केवल एक ही वासना बचती है अपने प्रेमी के लिए। जैसे भक्त के पास में एक ही वासना बचती है केवल अपने भगवान के लिए, तो एक ही चीज भक्त और प्रेमी में घटित होती है। देखिए, श्रद्धा का भाव होना चाहिए, अब वो भगवान के प्रति है या पत्थर के प्रति है या प्रेमी के प्रति है या पेड़ के प्रति है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि भाव श्रद्धा का कितना है। तो जो लोग सही से प्रेम करते हैं उनके जीवन में एक मेडिटेशन अपने आप घटित हो जाता है। उन्हें मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान को एकाग्र करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा एक ही चीज का ध्यान, एक ही चीज का ख्याल रहता है, अपने प्रेमी का। इसलिए उनका ध्यान अपने आप हो जाता है। दूसरा, जैसे बड़े ऋषि मुनि लोग पहले के समय या आज के समय में सभी सांसारिक वासनाओं को खत्म करने का प्रयास करते हैं, ताकत लगाते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह माया नहीं होना चाहिए और उसे खत्म करने का प्रयास करते हैं, लेकिन प्रेमी के अंदर ये अपने आप घटित हो जाता है। उसके दिमाग में एक ही चाहना रहती है कि केवल और केवल प्रेमी मिल जाए, उसके अलावा संसार की कोई भी वस्तु उसे अच्छी नहीं लगती, यानी उसके जीवन से सांसारिक वासनाओं का अंत हो जाता है। अब तीसरा, आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे मनुष्य या पहले के ऋषि मुनि लोग वैराग्य प्राप्त करना चाहते थे या वैराग्य ले लेते थे। ये वैराग्य क्या होता है, वैराग्य का मतलब होता है कि सभी सांसारिक वासनाओं का अंत कर देना या अंत हो जाना और वैराग के भाव में चले जाना। वैराग का मतलब होता है सारी दुनिया की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाना। तो पहले के लोग कोशिश करते थे ईश्वर को या इस सृष्टि के जन्मदाता को जानने के लिए वैराग के भाव लाना चाहते थे अपने अंदर, वो लाना चाहते थे, लेकिन प्रेमी के अंदर ये अपने आप घटित हो जाता है। कैसे घटित होता है, जब प्रेमी को प्रेमिका नहीं मिलती या बिछड़ जाती है तो प्रेमी के अंदर पूरी तरीके से वैराग्य की भावना आ जाती है।
उस समय उसकी सारी सांसारिक वासनाएं समाप्त हो जाती है, उसका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है, केवल अपने प्रेमी के बारे में सोचता है और कुछ नहीं सोचता है। और जब वो उसे नहीं मिलती है या नहीं मिलता है तो वो सोचती है दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। वही सोचता है फिर वो आदमी जो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग कई साल तपस्या करके सोचते थे पहले या प्राप्त करते थे पहले, वो प्रेमी अपने आप पा लेता है वैराग्य की भावना, यानी उसके लिए संसार फिर कुछ नहीं रह जाता, संसार में उसके लिए कुछ नहीं रह जाता है। फिर ध्यान का मतलब होता है प्रेजेंट मूवमेंट में रहना, ठीक है, यानी विचारों की शून्यता या फिर किसी एक विचार पे टिक जाना। तो प्रेमी जो होता है वो एक विचार पे टिक जाता है, अपने प्रेमी के बारे में ही सोचता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि प्रेम में प्रेमिका नहीं मिलती है तो आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, यानी उनके जीवन में कुछ नहीं रह जाता है, तब कहते हैं कि वैराग्य आ जाना, इसे ही कहते हैं वैराग्य, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य के लिए। यह आसानी से नहीं आती और हर किसी के जीवन में नहीं आती है, लाखों करोड़ों के जीवन में एक बार कहीं आती है। तो जो सही से और सच्चे ढंग से प्रेम करते हैं उनके जीवन में ऐसा हो सकता है। देखिए, मैं अभी काफी बिजी हूं और जल्दीबाजी में ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, और पहले से कोई प्लानिंग बना के नहीं आया, लेकिन मैं इस वीडियो को एक बार डिटेल से आपको समझाऊंगा, जो कम से कम 20 मिनट की वीडियो हो सकती है। और ये बात बिल्कुल सही है कि लव के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, ये भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को हमने बहुत जल्दी में बनाया है, हम आपको समझाने में शायद सफल नहीं रहे होंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे कि लव करने से कितने जबरदस्त फायदे हो सकते हैं मनुष्य को। यानी लव का मतलब होता है सारी चेतना एक जगह इकट्ठी हो जाना, जिसको करने के लिए बड़े बड़े योगी लोग बहुत सालों तक योग करते हैं, सारी चेतना को एक जगह इकट्ठा करने के लिए योगी लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन लव वाला ये अपने आप कर लेता है। और जब सारी चेतना एक जगह जमा हो जाती है तो सब कुछ इन्फॉर्मेशन संसार के बारे में मिलने लग जाती है, जो कि आम आदमी को नहीं मिल पाती है, यानी संसार में छुपे हुए रहस्यों तक की जानकारी मिलने लग जाती है। सीधा कहते हैं कि नर से नारायण की ओर मनुष्य चले जा सकता है, यदि सही से कोई लव करता हो तो। और सही से ही करते हैं लोग, बहुत सारे लोग अच्छे से करते हैं लव, ठीक है, और लव किया नहीं जाता है, ये हो जाता है। लव कोई करने की चीज नहीं है, ठीक है, ये पैदा होने की चीज है, किसी के दिल में किसी के प्रति प्रेम पैदा होना। चलिए, इस पर नेक्स्ट वीडियो में कभी बात करेंगे, ढंग से बात करेंगे। धन्यवाद।